मंदिर मानो वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धाम रत नमनीय मान हर। आवृते कालिंदे नीर राजा हंस एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, आप लोग बस एक मिनट होल्ड कीजिएगा। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धाम रतन मंदिर मानो हरा। आवृते कालिंदे नीर राजा हंस चली कर काहे सो बेकन का समाला। देह मापीठ असवेश असदले प्रधान धर्म दे रत्नासन बसियाची दुई जन श्याम संगे सुंदरी राधिका। रूप लावण्य राशि अमिया परिचे दशि हास परिहास संभाषने नरोत्तम दासे कहे कृपा लीला सुखमय सदाई सुरक मोर आने। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धाम रतन मंदिर मानो हरा। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धाम रतन मंदिर मानो कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण come on।
ये बहुत अच्छा वैष्णव भजन है, वैष्णव सॉन्ग है कि वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। तो इसपे हम इसका मैं एक बार अर्थ पढ़ूंगा और इसके बाद फिर हम आज का क्लास आगे प्रारंभ करेंगे। कि वृंदावन नामक रम्य आध्यात्मिक जगत एक दिव्य धाम है, यह दिव्य चिंतामणि रत्नों से बना हुआ है। वहां कई मनोहर रत्नों से बड़े हुए मंदिर हैं और वहां राजहंस यमुना के जल में क्रीड़ा करते हैं। यमुना के जल में सत पंखुड़ियों वाला एक सुवर्ण कमल शोभायमान है। उस कमल के मध्य में 8 पंखुड़ियों से घिरा हुआ एक स्वर्ण पीठ है। उन 8 पंखुड़ियों पर ललिता एवं विशाखा के नेतृत्व में 8 प्रधान नायिकाएं स्थित हैं। उनके बीच में स्वर्ण पीठ पर युगल जोड़ी विराजमान है। श्याम सुंदर के साथ राधिका सुंदरी बैठी है। श्री श्री राधा कृष्ण के हास्य परिहास संभाषण के समय उनके रूप लावण्य की राशि अमृत बरसा रही है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ये सुखमय नित्य लीलाएं मेरे मन में सदा स्फुरित हो। ये नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं जो लिख रहे हैं इस वैष्णव संघ सॉन्ग को। और आप सबको पता ही होगा कि राधा अष्टमी का पावन अवसर जल्द ही आ रहा है और इस दिव्य पावन अवसर पर के शुभ अवसर पर हम लोग आज का ये क्लास करना चाह रहे हैं, आज का ये क्लास कर रहे हैं। और इस क्लास में हम प्रयास करेंगे थोड़ा बहुत राधा रानी के बारे में कुछ चर्चा करने का, उनके तत्वों पर चर्चा करने का। हालांकि ये मतलब इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में अगर दोनों जगतों को भी ले लेते हैं तो जो सबसे ज्यादा गोपनीय चीज है, जो सबसे ज्यादा हिडन चीज है, रहस्यमय चीज है, वो है श्रीमती राधा रानी को समझना, राधा तत्व। इस ब्रह्मांड में सबसे जो गोपनीय है, इससे ज्यादा गोपनीय और कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। सब कुछ समझना आसान है, जो सबसे टफ है जिस चीज को समझना, वो है श्रीमती राधा रानी को समझना, राधा तत्व को समझना। तो हम गुरु परंपरा से प्रार्थना करेंगे, आराध्य अपने गुरुदेव से, गुरु परंपरा से, भगवान से, कि हमें शक्ति दें कि इस पर थोड़ा बहुत आज हम चर्चा करने का प्रयास करें और कुछ समझें और राधा रानी की अनुगत हो सके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं परिचरसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकललिता श्रीविशाखामिताश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठ कृष्ण गोपाल कृष्ण गोस्वामी प्रभुपद सहित प्रकाश दर्शक भगवान साधु भगवत। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का पुनः स्वागत है आज के इस क्लास में। और जैसा कि आप सबको पता है कि राधा अष्टमी 26 तारीख की है, 26 तारीख को आ रही है। तो आज हम प्रयास करेंगे श्रीमती राधा रानी के बारे में चर्चा करने का, कुछ उनके बारे में हम जो भी गुरुओं से, जो गुरु वैष्णवों से और आचार्यों से आज तक मैं सुना हूँ, वही आप लोगों के सामने बताने का मैं प्रयास करूँगा। कि आप लोग शक्ति मतलब मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि जो भी सुने, क्योंकि सबसे गूढ़ तत्व है, सबसे ज्यादा
जैसे भगवत गीता भगवान 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं कि सबसे गुह्यतम तमम ज्ञानम है, तो ये उससे भी ज्यादा गुह्यतम ज्ञान है। जो श्रीमती राधा रानी को समझना उससे भी ज्यादा गुह्यतम ज्ञान है, ये भगवत गीता के ज्ञान से भी ज्यादा गुह्यतम ज्ञान है राधा रानी को समझना। तो निश्चित रूप से आप सब भक्तों की भी आशीर्वाद की मुझे कामना है, ताकि इसे हम कुछ चर्चा कर सके, समझने का प्रयास कर सके। हरे कृष्ण। तो जैसे जो भी आचार्यों से मैं सुना हूँ उसको एज इट इज प्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा। जो भी हम जैसे सेवा करते हैं, जैसे कोई मंदिर में आके सेवा करता है या कहीं भी हम सेवा करते हैं, तो जो भी गुरु परंपरा को जैसे सेवा हम आध्यात्मिक कुछ भी सेवा करते हैं, तो वो सेवा राधा रानी के माध्यम से भगवान के पास पहुंचती है। ऐसा नहीं कि जैसे डायरेक्ट हम भगवान को अप्रोच कर सकते, और जो राधा रानी होती हैं उनके जैसे राधा रानी की फॉलोअर हैं ललिता सखी के फॉलोअर हैं, जैसे कि रूप मंजरी जो रूप गोस्वामी है, रूप गोस्वामी के फॉलोअर हैं प्रभुपाद जी, और हम प्रभुपाद जी के फॉलोअर हैं प्रभुपाद अनुगा हैं, जैसे हमें रूपानुगा भी कहते हैं। रूप गोस्वामी जो हैं फॉलोअर हैं अन्य गोपियों के, और अन्य मतलब इस तरीके से जो भी हमारा सेवा होती है राधा रानी के पास जाती है इस तरीके से, क्योंकि हम डायरेक्ट उनको अप्रोच नहीं कर सकते। जैसे भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते वैसे हम राधा रानी को भी अप्रोच नहीं कर सकते हैं, बट इनके माध्यम से गुरु परंपरा के माध्यम से अगर हम कोई भी सेवा करेंगे, सेवा करके अगर हम गुरु को प्रसन्न करेंगे तो गुरु को प्रसन्न करेंगे तो फिर वो ऐसे ही जैसे गुरु के परंपरा जैसे प्रभुपाद के माध्यम से सेवा रूप गोस्वामी के पास जाएगी, रूप गोस्वामी के माध्यम से फिर आगे जाएगी, इस तरीके से ये ट्रांसफर होती है। और जैसे कि आप सबने सुना होगा कि जब भी जैसे प्रभुपाद जी के घर पे कोई भी आता था तो उनके पिताजी अक्सर साधु महात्माओं को बुलाते रहते थे, कभी कोई साधु महात्मा आ रहा है कभी कोई आ रहा है, डेली प्रतिदिन का उनका ये वो था कि कोई ना कोई साधु महात्मा को अपने घर पे बुलाना होता था। और साधु महात्मा को जब अपने घर पे बुलाते थे तो क्या उनसे प्रार्थना करते थे कि आप लोग कृपा करके आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जो बेटा है ये राधा रानी का भक्त बन सके, जो मेरा बेटा है वो राधा रानी का भक्त बन सके। सारे साधुओं से सारे महात्माओं से उनसे ये आशीर्वाद की कामना करते थे, यही याचना करते थे कि आप लोग मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए कि राधा रानी का भक्त बन सके। और आगे हम देखते हैं प्रभुपाद जी जब उसको लिख रहे हैं, कृष्ण तब पुण्य हबे भाई, कृष्ण तब पुण्य हबे भाई, ए पुण्य करीबे जब राधा रानी खुशी हबे। तो इसमें लिख रहे हैं कि ये पुण्य करीबे जब राधा रानी खुशी हबे, अगर राधा रानी आपसे प्रसन्न है राधा रानी आपसे खुश है तो ही हम कुछ भी सेवा कर सकते हैं, और तो ही फिर अगर राधा रानी प्रसन्न है तो राधा रानी भगवान को रिकमेंड करती हैं कि भगवान देखिए ये जो भक्त है ये मेरे से भी बड़ा भक्त है, इसके अंदर भक्ति की भावना मेरे से भी ज्यादा है, मैं तो बहुत तुच्छहीन और तुच्छ एकदम बिल्कुल वो और बहुत दीनहीन भक्त हूँ, लेकिन जी ये जो भक्त है ना भगवान ये मेरे से भी बड़ा भक्त है, और इसके हृदय में जो प्रेम का भाव है ना वो मेरे हृदय में भी नहीं है। राधा रानी इस तरीके से भगवान से रिकमेंडेशन करती है किसी भक्त का। कोई भक्त थोड़ा भी अगर कोई सेवा करता है तो तुरंत राधा रानी उसका रिकमेंडेशन भगवान के पास पहुंचाती है। जैसे जो पोस्टमास्टर होता है ना डाकिया, डाकिया का क्या काम होता है कि जो भी हमारा खत है हमारा संदेश है वो एज इट इज जिसका संदेश है उसके पास पहुंचा देना, वैसे ही राधा रानी हमारी सेवाओं को भगवान के पास पहुंचाती हैं। और अगर हम सच में भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो बिना राधा रानी के कृपा के, बिना राधा रानी को प्रसन्न किए बिना हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। और कोई भी हम सेवा करते हैं तो राधा रानी के माध्यम से ही वो सेवा भगवान के पास जाती है, और राधा रानी हमें रिकमेंडेड करती है। और एक बार अगर राधा रानी रिकमेंडेड कर दी कि भगवान देखिए ये बहुत बड़ा भक्त है आपका, इसको स्वीकार कीजिए, इसके बाद फिर भगवान के हाथ में भी ऐसा नहीं कि उसको अस्वीकार करते कर ही नहीं सकते हैं वो। राधा रानी ने अगर किसी को रिकमेंडेड कर दिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता है,
कि भगवान उनको अस्वीकार कर दे। और राधा रानी इतनी गूढ़ तत्व है कि आप किसी भी वेदों में भी, अगर चारों वेदों को भी अगर कोई पढ़ लेगा तो भी राधा रानी के बारे में नहीं समझ सकता। सारे पुराणों को भी पढ़ लेगा तो भी, तो डायरेक्ट कहीं भी राधा रानी के बारे में नहीं लिखा है, ना रामायण में लिखा है, ना महाभारत में लिखा है, ना ही कोई अगर पूरा भगवत गीता 700 श्लोक बिल्कुल याद कर ले सारे छान मारे तो भी कहीं भी राधा रानी के बारे में नहीं लिखा हुआ, कहीं चर्चा नहीं करते। इतना ज्यादा गोपनीय तत्व है, इतना ज्यादा गोपनीय है ये। ऐसे नहीं है कि कहीं भी और कहीं भी कहीं खड़ा होकर के और राधा रानी पर चर्चा किया सके। सबसे ज्यादा जो गोपनीय चीज है, इसलिए राधा रानी को वेद गोप्य भी कहा जाता है। अगर कोई वेदों को भी पूरा अध्ययन कर लिए, पूरा वेदों को भी चाट जाएगा ना, इसके बाद भी कोई ये नहीं समझ पाया कि राधा रानी कौन है। राधा रानी के बारे में समझना इतना, कहते हैं ना, राधा रा महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानाते को, यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो। तो कह रहे हैं कि अगर गौरांग महाप्रभु नहीं आए होते तो राधा रानी के बारे में हमें कौन बताता। आप किसी भी और कहीं भी चले जाइए, नॉर्मली किसी परंपरा में आप हो, ना ही कुमार संप्रदाय में ज्यादा राधा रानी के चर्चा किया जाता है, ना ही निम्बार्क संप्रदाय में, ना ही विष्णु स्वामी के संप्रदाय में, ना ही ये श्री संप्रदाय में, रामानुजय संप्रदाय में, कहीं भी राधा रानी के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं किया जाता। इतना ज्यादा कहीं भी चर्चा नहीं होती है। और ये सबसे पहले श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, जो राधा रानी का भगवान के प्रति जो राधा रानी का भाव है, भक्ति का भाव है, प्रेम का भाव है, माधुर्य भाव है, इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, हमारे जो गौड़िया वैष्णव के एक प्रमुख आचार्य रहे हैं माधवेंद्र पुरी। तो माधवेंद्र पुरी ने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था। इससे पहले किसी को भी राधा रानी के बारे में नहीं पता था, राधा रानी को किसी ने भी इंट्रोड्यूस नहीं किया था। और भगवान की अकेले पूजा होती थी, राधा रानी के साथ नहीं होती थी, कृष्ण का अकेले होते थे। जो भी आप उससे आज से 600-700 साल से पहले जो भी विग्रह देखिएगा ना, वहां पर सिर्फ अकेले कृष्ण होते थे, राधा रानी नहीं हुआ करती थी, राधा रानी को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था तब। एक बार की बात है, जैसे कि कृष्ण थे वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में, और राधा रानी और अन्य गोपियां उनकी सेवा में लगी हुई थी। और ये राधा रानी वगैरह या अन्य गोपियां उनकी सेवा करके, भगवान की सेवा करके, और इतना ज्यादा आनंद का उनको अनुभव हो रहा था कि वो आनंद का अनुभूति भगवान को भी नहीं हो रहा था। कृष्ण सोचे हद है, मैं रसिक शेखर हूँ, मैं सारे रसों का स्वामी हूँ, मैं मतलब कहते भोक्ता राम यज्ञ सप्ताम सर्वलोक महेश्वरम, मैं सर्व मतलब सारे लोक का महेश्वर हूँ, स्वराट हूँ। जैसे कहते हैं भाष्यमत भागवतम के पहले श्लोक में पहले अध्याय क्या है कि अभिज्ञ स्वराट, मैं स्वराट हूँ, सबका कंट्रोलर हूँ, सबको आदेश देने वाला हूँ, सब मेरी सेवा करने में लगे हुए हैं। और ऐसा क्या है जो कि मेरे सेवा में ये राधा रानी को, श्रीमती राधा रानी को आनंद आ रहा है, जो मुझे आनंद नहीं आ रहा है। कृष्ण कंफ्यूज हो गए। और उनके मतलब दिन प्रतिदिन आनंद बढ़ने वाला आनंद था। तो कृष्ण कंफ्यूज हो गए कि ऐसा क्या है मेरी भक्ति में, ऐसा क्या है मेरी सेवा में जिसे कर करके राधा रानी को इतना ज्यादा आनंद की प्राप्ति हो रहा है जो मुझे भी नहीं प्राप्ति हो रहा है। इसलिए कहा जाता है कि जो सेवक का आनंद होता है वो सेव्य के आनंद से ज्यादा होता है, जो सेवा प्राप्त करने वाले के आनंद से ज्यादा सेवा करने वाला का आनंद होता है। क्यों? क्योंकि राधा रानी जो है वो भगवान की चित्त शक्ति है, चित्त शक्ति भगवान के चित्त से, जैसे भगवान के जो प्रेम तत्व है, जैसे कृष्ण जब, जैसे कोई भी अकेले, मान लीजिए मैं बहुत पावरफुल हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, पूरी पृथ्वी का राजा हूँ, पूरी दुनिया का राजा हूँ, सबको मैं कंट्रोल कर रखा हूँ और कोई मेरे आसपास ना हो, मैं बस अकेले, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, बहुत शक्ति है मेरे में, सब कुछ है मेरे पास, और मैं पूरी ब्रह्मांड में पूरी दुनिया में अकेले हूँ, किसके साथ मैं आनंद करूंगा, क्या आनंद करूंगा, है कि नहीं, क्या कोई आनंद ऐसे भोग कर सकता है, मान लो अकेले हो। तो वैसे ही कृष्ण है, कृष्ण अकेले है, तो कृष्ण अकेले फिर कैसे, किसके साथ आनंद प्रदान वो प्राप्त करेंगे और क्या करेंगे। तो अपने को आनंद प्रदान करने के लिए अपने में से एक शक्ति का विस्तार किया,
एक शक्ति का विस्तार किया, उसको कहते हैं चित्त शक्ति। चित्त शक्ति, और चित्त शक्ति के जो चित्त शक्ति मतलब खुद को प्रसन्न करने के लिए, खुद को प्रेम करने के लिए एक शक्ति का उन्होंने वो किया, उनको कहते हैं चित्त शक्ति, जो कि श्रीमती राधा रानी है। चित्त शक्ति का, जैसे कोई भी भगवान का शक्ति उसका एक स्वरूप है, उस शक्ति का एक स्वरूप है। और शक्ति कोई भी होती है ना, फीमेल होती है, प्रकृति फीमेल होती है। जैसे हम लोग भी हैं, तीन शक्तियां होती है, चित्त शक्ति, अचित शक्ति और जीव शक्ति। इसको अंतरंगा, बहिरंगा और तत्ष्टा शक्ति भी कहते हैं। और ये सारी शक्तियां हैं, मतलब सारी फीमेल है, प्रकृति है। हम जो भी हैं, जैसे आज पुरुष के शरीर में हैं, जैसे अपने आप को पुरुष समझते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि जो स्त्री है मेरे भोग के लिए, मैं पुरुष हूँ, बट ऐसा नहीं है। सारी जीवात्माएं प्रकृति से ही स्त्री हैं, हम सब स्त्री हैं। भले कोई पुरुष के शरीर में हो, कोई स्त्री के शरीर में हो, कोई बकरे के शरीर में हो, कोई कुत्ते के, कोई कुतिया के, कोई देवताओं के, कोई अप्सराओं के, कोई किसी भी योनि में भले क्यों ना हो, एकला ईश्वर कृष्ण आरसभ भृत है, सब उनके नौकर हैं, सब उनके भृत हैं। और एकमात्र जो पुरुष है वो कृष्ण है, और मतलब कोई पुरुष नहीं है, सब प्रकृति है। सब भगवान को सेवा करने के लिए हमारी उत्पत्ति हुई, हम सब भगवान के सेवा करने के लिए, एकमात्र जो सेव्य है वो भगवान है, बाकी हम सब कौन है, भृत्य है, सेवक है। तो वैसे जब राधा रानी को भगवान देखें कि हद है, मैं सबका मालिक, मैं सृष्टि करने वाला, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान कह रहे हैं खुद को दिखा करके, और जो ये राधा रानी है, इनका जो आनंद है मेरे आनंद से भी ज्यादा है, हद है। तो ये बिल्कुल भगवान कंफ्यूज हो गए, बिल्कुल उनको रुचि नहीं आई। इसके बाद ये सोचते कि क्या है, तो ये समझने के लिए भगवान राधा रानी के भाव को चुरा करके, श्रीमती राधा रानी के भाव को चुरा करके, और राधा रानी की भक्ति को समझने के लिए, राधा रानी के भक्ति के भाव के आनंद का स्वादन करने के लिए, उसको समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, कृष्ण प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, राधा कृष्ण दोनों एक होकर के, मतलब जो पहले दो थे, एक राधा कृष्ण, मतलब कृष्ण है शक्ति, शक्तिमान है, और शक्ति है राधा रानी, दोनों एक हो गए। तो वो श्री विग्रह को क्या कहा जाता है, चैतन्य महाप्रभु। और जो चैतन्य महाप्रभु, ये गौर वर्ण के हैं, जो कृष्ण है वो श्याम वर्ण के हैं, उनको श्याम सुंदर कहते हैं। अच्छा, जो कृष्ण है वो श्याम सुंदर, श्याम वर्ण के हैं। लेकिन जब श्रीमती राधा रानी के वर्ण को, कांति को, जब वो भाव को लेते हैं, तो श्री कृष्ण जो है वो गोरे हो जाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु गौर वर्ण के हैं, पिघले सोने के समान कांति है श्रीमती राधा रानी की, पिघले सोने के समान उनकी कांति है, उससे तुलना किया जाता है। और जो जो ये चित्त शक्ति है भगवान की राधा रानी, इसके तीन मेनली शक्ति है, तीन स्वरूप है। पहला अहलादिनी शक्ति, समित शक्ति और संधिनी शक्ति। जो अहलादिनी शक्ति है वही भगवान के साथ अलग अलग रसों का आदान प्रदान करती है, रसों का आस्वादन करती है। जितने भी हमारे भगवान के साथ भाव होते हैं वो अहलादिनी शक्ति के, जो भगवान से हमारा संबंध अगर स्थापित करना, अहलादिनी शक्ति के होता है। और ये जो राधा रानी है वही मतलब भक्तों के भक्ति की पोषण करती है राधा रानी। जो भी हमारे हृदय में थोड़ी बहुत भक्ति है उसकी जो पोषण करती है, उसको बढ़ाती है, ये श्रीमती राधा रानी का सेवा है, राधा रानी का काम है। दूसरा है संवित शक्ति, उसमें भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध ज्ञान है उसको करना, इस्टेब्लिश करना, ये जो संवित शक्ति का कार्य है। ये श्रीमती राधा रानी, जिनकी तीन प्रमुख शक्तियां हैं, संवित शक्ति का ये कार्य है, भक्त और भगवान के बीच जो संबंध है, जो ज्ञान है, उसको एस्टेब्लिश करना। और तीसरा है संधिनी शक्ति। जो भी आध्यात्मिक लोक में, आध्यात्मिक जगत में जितने भी वैरायटी हैं, जितने भी तरह के वो हैं, अलग अलग तरह के लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, अलग अलग रसों में, अलग अलग जितने भी वैरायटीज हैं, सबके क्रिएटर और कंट्रोलर कौन है, श्रीमती राधा रानी है, और उनकी जो संधिनी शक्ति है उसके अंतर्गत होता है। ये दो तीन प्रमुख शक्तियां जो मैं बताया, लादिनी शक्ति, संवित शक्ति और संधिनी शक्ति। और राधा रानी का प्रमुख कार्य क्या है कि जैसे एक माता होती है अपने बच्चे का पोषण करती है ना, वैसे श्रीमती राधा रानी भक्तों के अंदर जो भक्ति का भाव है,
भक्तों के अंदर जो भक्ति के थोड़ा बहुत भी वो है उसकी पोषण करती हैं, उसको और आगे बढ़ाने में मदद करती हैं श्रीमती राधा रानी कही है। और जितनी भी आध्यात्मिक जगत में हैं गोपियां हैं, ये सब राधा रानी की एक्सपेंशन है। जितने भी आध्यात्मिक जगत में बैकुंठ लोगों में लक्ष्मियां हैं, लक्ष्मी जी हैं, ये सब राधा रानी के विस्तार की भी विस्तार है, विस्तार के भी विस्तार है, श्रीमती राधा रानी के विस्तार के भी विस्तार है। जितनी सारी लक्ष्मी, जैसे हम सब लोग लक्ष्मी के, बड़े बड़े देवता लोग भी लक्ष्मी के पीछे पागल रहते हैं, लक्ष्मी के वो रहते हैं कि हाय लक्ष्मी मिल जाए, लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए, और ये सब राधा रानी के विस्तार के भी विस्तार है। मतलब भगवान को प्रसन्न करने का जो एक तरह से कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो राधा रानी के पास है, कि भगवान को कि किस तरीके से प्रसन्न करना है, क्या करके, क्या व्यवस्था करके, ये श्रीमती राधा रानी के पास है। इसकी जो क्या बोलते हैं, एकमात्र जो एक छत्र अधिकार, और फिर राधा रानी के माध्यम से हमारी सेवाएं भगवान के पास पहुंचती है। और जो राधा रानी है, भगवान के जो प्रेम शक्ति है उसका एक स्वरूप है राधा रानी। अगर भगवान के अंदर जो भी प्रेम शक्ति है, भगवान का जो प्रेम है, उसको एक स्वरूप में अगर बनाया जाए तो वो स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। और जैसे कोई भी हम राधा रानी की सेवा, जैसे मैं आपको बताया कि राधा रानी के की जो प्रमुख वो है सखी है, जो सेविका है ललिता जी है, ललिता जी के जो प्रमुख है रूप मंजरी, जो रूप गोस्वामी है, रूप गोस्वामी के प्रभुपाद, प्रभुपाद के जैसे हमारे गुरुवर है गुरु परंपरा, और हम गुरु परंपरा को प्रसन्न करके, गुरुवर को प्रसन्न करके, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर राधा रानी प्रसन्न हो गई तो फिर राधा रानी हमारा रिकमेंडेशन करेंगी भगवान से, भगवान से कहेंगी कि भगवान देखिए ये जो भक्त है ये ना मेरे से भी ज्यादा बड़ा भक्त है। और ये एक्चुअल में एक भक्त की क्वालिटीज होती है, जो भक्त भक्ति में जितना ही उन्नत रहेगा, जितना ही पहुंचा हुआ रहेगा, जितना ही उच्च स्तर पे होगा, वो ये समझेगा कि वो अपने आप को समझेगा कि हाँ मैं बहुत ही निम्न स्तर पे हूँ और बाकी सब कितना उच्च स्तर पे भक्ति है, और मैं इनको मतलब इनको फॉलो करूँ या इनकी वो करूँ। ये जो जितना उन्नत रहेगा वो अपने आप को उतना ही निम्न समझता है, और जो जितना ही निम्न रहते हैं भक्त, प्रभुपाद जी कहते हैं वो अपने आप को उतना ही उन्नत समझते हैं। तो राधा रानी इस सारी जगत में सबसे उन्नत भक्त है। और जैसा कि जैसे आता है शास्त्रों में कि जो भगवान को जो वैकुंठ है बहुत प्रिय है, वैकुंठ प्रिय है, वैकुंठ वैकुंठवासी बहुत प्रिय है। उस सारे बैकुंठ में जो गोलोक है वो गोलोक भगवान को बहुत प्रिय है, और उन गोलोक में भी जो गोकुल है वो भगवान को बहुत प्रिय है, करोड़ों भक्त हैं। गोकुल में भी जो ब्रजवासी हैं, करोड़ों ब्रजवासी हैं, बहुत प्रिय है भगवान को। और उन करोड़ों ब्रजवासी ब्रजवासियों में भी जो गोपियां हैं वो भगवान को बहुत प्रिय है। उन सारी गोपियों में जो अष्ट प्रमुख गोपियां हैं, प्रमुख गोपिकाएं हैं, वो भगवान को बहुत प्रिय है। और उन प्रमुख गोपियों में भी जो दो गोपी हैं, वो दो गोपी भगवान को बहुत प्रिय है, सबसे प्रिय है। कौन कौन? एक राधा रानी और एक चंद्रावली, ये दो गोपी बहुत प्रिय है। उन दो गोपियों में भी श्रीमती राधा रानी है बहुत प्रिय, सबसे ज्यादा प्रिय, और जो उनका कुंड राधा कुंड है वो भगवान को अतिशय प्रिय है, सबसे ज्यादा प्रिय है, उससे ज्यादा कोई प्रिय नहीं है। भगवान की सबसे बड़ी जो सेविका है वो श्रीमती राधा रानी, उनका एक ही चिंता रहता है कि किस प्रकार भगवान को प्रसन्न किया जाए, भगवान को प्रसन्नता प्रदान किया जाए, भगवान को खुश किया जाए। उनका एक ही लक्ष्य है कि येन केन प्रकारेण भगवान को प्रसन्न किया जाए, भगवान को खुश किया जाए। तो ये तो कुछ हम तत्व की बात किए थे, अब हम कुछ लीलाओं की बात करेंगे, दो चार लीलाओं की बात करेंगे आपकी प्रसन्नता के लिए, आप लोगों की। कि जब सारे देवता लोग जब जा करके भगवान से प्रार्थना किए थे धरती पर अवतरित होने के लिए, तो भगवान जब उनको पता चला भगवान को ये कि मैं धरती पर मुझे जाना है, जैसे परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म का स्थापना करने के लिए मुझे पृथ्वी लोक पे जाना है, धरती पे जाना है, भौतिक जगत पे जाना है।
तो ये बात वो राधा रानी को बोले कि राधा रानी आप भी मेरे साथ चलिए। तो श्रीमती राधा रानी बोली कि नहीं नहीं, तो बोले नहीं नहीं मैं चल रहा हूँ, आप भी चलिए। तो राधा रानी तैयार होती फिर, लेकिन राधा रानी बोली कि तीन शर्त पे मैं चलूंगी, बताइए क्या शर्त है आपका, भगवान पूछे। तो राधा रानी बोली कि पहला शर्त है कि अगर आप गोवर्धन पर्वत को भी साथ में ले चलोगे तो मैं चलूंगी। भगवान बोले तथा, तो ठीक है मान गए। दूसरा शर्त राधा रानी बोली कि अगर आप यमुना जी को, यमुना देवी को भी ले चलेंगे साथ में तो मैं चलूंगी। तो भगवान ठीक है स्वीकार कर लिए, ठीक है जैसी आपकी चाहिए, यमुना जी को भी चले के चलेंगी। और तीसरा है कि अगर आप पूरा का पूरा वृंदावन धाम को ही ले चलोगे साथ में तो मैं चलूंगी। तो ये तीन जो अवतरण है विशेष रूप से यमुना जी का, गोवर्धन जी का और वृंदावन धाम का, ये गोलोक वृंदावन से तीनों अवतरित हुए राधा रानी की इच्छा पर। इसके बाद फिर ब्रज में, ब्रज के विशेष रूप से दोनों लोग प्रकट होते हैं, राधा और कृष्ण भगवान। जब राधा कृष्ण दोनों प्रकट हो चुके, जब नारद मुनि को पता चला ये चीज कि ओ राधा और कृष्ण प्रकट हो चुके हैं, राधा कृष्ण भगवान प्रकट हो चुके हैं, पहले पता चले कि भगवान प्रकट हो चुके हैं, तो चलता हूँ जरूर भगवान का दर्शन करूंगा, भगवान के बिना दर्शन का मैं नहीं रह सकता, भगवान के जाके मैं किसी भी हाल में दर्शन करूंगा। तो यह सोच करके वो जो नारद मुनि थे वो घूमने लगे, आकर के हर घर में जा जा करके कहाँ है कहाँ है कहाँ, कृष्ण कहाँ है कृष्ण कहाँ है, वो हर घर में जा करके ढूंढ रहे थे कि मतलब कहाँ है कहाँ है कहाँ है कृष्ण कहाँ है। तो इसके बाद उनको पता चला कि अच्छा ब्रज में नंद बाबा के घर पे कृष्ण अवतरित हुए हैं। इसके बाद फिर जा करके वो नंद बाबा के घर पे पहुंचते, नंद बाबा के घर पे पहुंचते हैं कौन, नारद मुनि। नारद मुनि नंद बाबा के घर पे पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना में लग जाते हैं नंद बाबा के पास घर में पहुंच करके, कि जो भी आपके घर पे ये जो लाला उत्पन्न हुआ है, जो आपके घर पे लाला ये प्रकट हुआ है, मैं इसका दर्शन करना चाहता हूँ। पहले पूरे ब्रज में हर जगह घूम रहे थे, ब्रज में घर घर जाते थे, हर जगह घूमते थे और घूम करके जो उनका लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था कि दर्शन करना, भगवान का दर्शन करना। तो भगवान के दर्शन करने के लालसा से नारद मुनि पूरा ब्रजवासियों के घर घर जाते थे। उनको पता था कि जब भगवान आए हैं तो निश्चित रूप से ब्रज में आए होंगे, ब्रज में, तो ब्रज में हर घर में जाते थे, जा जा करके देखते थे यहाँ पर कोई, मतलब कोई हाल ही में कोई जन्म लिया है क्या, तो ये घर घर जा करके पूछते थे। इसके बाद उनको पता लगा कि हाँ एक घर में एक बहुत सुंदर बालक जन्म लिया है, एक बहुत नन्हा सा और बहुत सुंदर बालक है, और जो भी देख रहा है इसको वो देखते ही रह जा रहा है, इतना सुंदर बालक है। तो फिर ये देख करके बोले कि जरूर फिर तो यही कृष्ण होंगे, और वो जाते हैं और जा करके कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, वो देखते हैं प्रार्थना करते हैं और समझ जाते हैं कि यही भगवान है। इसके बाद उनसे बहुत सारे प्रार्थना ऑफर करते हैं, भगवान उनको दर्शन देते हैं। इसके बाद जब भगवान का दर्शन करने के बाद उनको लगता है कि अगर भगवान अवतरित हुए तो जरूर राधा रानी कहीं ना कहीं अवतरित ली होंगी, तो भगवान अकेले नहीं आ सकते हैं, जब भगवान जब आते हैं तो अपने सारे परिकरों के साथ आते हैं। तो इसके बाद जो उनका अगला टारगेट क्या होता है, राधा रानी को खोजना है, भगवान का अगला टारगेट राधा रानी को खोजना है। इसके बाद फिर वो और भी ब्रज में जाते हैं अनेक जगह पे कि कहीं कोई पुत्री जन्म दी है, लड़की जन्म दी है। तो ऐसे करते 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 वो वृषभानु महाराज के घर में पहुंचते हैं, और वृषभानु महाराज के जब घर पे पहुंचते हैं तो वहां जाकर के पूछते हैं कि यहाँ पर कोई आपको कोई पुत्री वगैरह वहां पर आपके इसमें उत्पन्न हुई है किसी को, बोलते हाँ हाँ है ना, मेरे घर एक लड़की है,
अच्छा कहाँ है कहाँ है, दिखाइए दिखाइए दिखाइए। जो नारद मुनि बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं, उनका तो था कि कहीं जाके दर्शन करना है, तो वो दिखाते हैं और देखते ही मतलब वो ले जा रहे होते हैं दिखाने के लिए। पहले तो बताते हैं कि नहीं मेरे घर पे एक लड़का है बस, तो वो बोलते हैं कि अच्छा एक लड़का है, फिर बात बताते हैं कि लड़की है, लेकिन क्या बताऊं मतलब लड़की तो है लेकिन छोड़िए अब क्या देखिएगा। तो बोलते हैं नहीं 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 दिखाइए क्या है बताइए। तो बोलते हैं लड़की तो है, छोटी सी गुड़िया है, बहुत सुंदर है, लेकिन क्या बताऊं वो बिल्कुल गूंगी है, कुछ बोलती ही नहीं है, और वो बहरी भी है, कुछ सुनती भी नहीं है, और एक बार कहीं अगर रख दो तो वहीं पर वो चुपचाप लेटी रहती है, ना हिलना ना डुलना ना कुछ खाना ना पीना ना हंसना ना रोना ना देखना ना सुनना ना बोलना, बिल्कुल ही जैसे जड़ हो, बिल्कुल ही जड़ की जैसी है, बिल्कुल गूंगी है, बहरी है, और मतलब क्या आप देख के करेंगे, छोड़िए मतलब एक एक बेटा है बस, एक बालक है। तो बोलते हैं अच्छा ऐसा है, फिर तो और ज्यादा वो नारद मुनि का वो बढ़ने लगता है कि फिर तो जरूर आप दर्शन कराइए। इसके बाद ले जाके वृषभानु कीर्तिदा जिसे कहते हैं राधा रानी की जो माता थी, कीर्तिदा जो कीर्ति को प्रदान करने वाली है, कीर्ति को देने वाली है, वो कीर्तिदा है, राधा रानी के माता जी है। और जो यशोदा है, यश को प्रदान करने वाली, यश दायती इति यशोदा, कीर्ति को दान करने वाली, प्रदान करने वाली कीर्तिदा, और यश को देने वाली यशोदा। तो कीर्तिदा माता को बोलती हैं, वो बोलते हैं कीर्तिदा जर ला करके बेटी को दिखाना, तो लाते हैं और नारद मुनि को जो वो दिखाती है, एक पालने में होती है, देख करके नारद मुनि को लगता है वो इतनी सुंदर इतनी सुंदर इतनी सुंदर तो कोई और हो ही नहीं सकता है, जरूर ये राधा रानी हो सकती है, और कोई इतना सुंदर नहीं हो सकता है इस त्रिभुवन में, इस भौतिक जगत में, इस सारे संसार में इतना सुंदर और हो ही नहीं सकता कोई जितना सुंदर की श्रीमती राधा रानी है। तो देख करके समझ जाते हैं कि जरूर यही हमारी जो परम आराधक आराधिता है राधा रानी, यही है, वो देख करके समझ जाते हैं। इसके बाद एक अकेले घर में उनको कमरे में ले जाते हैं। इसके बाद फिर राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, आप जब स्वयं यहाँ पर प्रकट हुई और आपका दर्शन करना तो बिल्कुल मतलब गोप्य से भी गोप्य है, किसी का बहुत जन्म जन्मांतर तक भी कोई अगर कोई जो करते रहे तपस्या तो भी आपका दर्शन करना किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए कृपा करके आप एक बार मुझे दर्शन दे दीजिए। ये सुन करके राधा रानी उनको दर्शन देती है, और बहुत सुंदरी एक 16 साल की किशोरी बालिका के रूप में, किशोरी के रूप में उनको अपने मूल रूप में श्रीमती राधा रानी उनको दर्शन देती है नारद मुनि को। नारद मुनि देखते ही बिल्कुल अचंभित हो जाती है कि करोड़ों सूर्यों की कांति को भी, जो आभा को भी जो फेल करने वाला, करोड़ों सूर्यों के को मात करने वाला जो कांति थी श्रीमती राधा रानी की कांति थी, उसको दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार नारद मुनि का ये इच्छा पूर्ण होता है। इसके बाद फिर राधा रानी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अब आप कुछ दिनों बाद हमारे और भी लीलाओं का दर्शन करोगे, उसमें भाग लेने का आपको मौका मिलेगा, ये आशीर्वाद लेकर के फिर नारद मुनि वहाँ से चले जाते हैं। फिर से राधा रानी वैसे ही हो जाती है। तो राधा रानी जब यहाँ पर प्रकट हुई थी वृषभानु जी के घर, तो बिल्कुल ही वैसी थी, बिल्कुल जड़, जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा हो वैसे बिल्कुल जड़ थी, कोई बोलना नहीं, कोई चलना नहीं, कोई हिलना डुलना नहीं, कोई देखना नहीं, बिल्कुल आंख बंद कर, कोई कोई कुछ बच्चे को खिलाते हैं ना कि लल्ला 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 बच्चा बच्चा बच्चा, कोई उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता था, एक बार जहाँ सुना तो जस का तस वहीं पर सोई रहती, बिल्कुल ऐसी स्थिति में श्रीमती राधा रानी वहाँ पे वो थी। तो एक बार की बात है, ऐसे कुछ दिन बीता और यहाँ पर भगवान भी प्रकट हो चुके थे ब्रज में, कहाँ पर, नंद बाबा के घर पे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तो जय कन्हैया लाल भी प्रकट हो चुके थे। तो कुछ दिन बाद हुआ कि राधा रानी के घर पे, एक उनके घर पे वो बोले थे, नारद मुनि बोले थे कि एक काम क्यों नहीं करते आप, मैं एक उपाय करूंगा जिसके चलते आपकी लड़की को होश आ जाएगा। जब जाने लगे वो नारद मुनि तो बोले कि कोई आप टेंशन की बात नहीं है, उपाय मेरे को मिल गया है, सॉल्यूशन मिल गया है, और मैं एक आसान सॉल्यूशन दूंगा आपको, ये सॉल्यूशन अगर कर लिए ना तो आपकी जो लड़की है ना वो देखने लगेगी, वो बोलने लगेगी, वो चलने लगेगी, और सारी एक्टिविटीज उसकी शुरू हो जाएगी। तो जो
जो कीर्तिदा होती है, जो वृष भानु होते हैं, वो तो आश्चर्य से पूछते हैं, बताइए 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 क्या है, क्या है ऐसा उपाय बताइए। तो नारद मुनि बताते हैं कि एक काम कीजिए, आप अपने घर पे एक भोज का व्यवस्था कीजिए, फीस्टिंग का व्यवस्था कीजिए। और फीस्टिंग में आप जो सुने ना नंद बाबा के बारे में, नंद जी और यशोदा माता, उनको जरूर बुलाइएगा। और उनके घर पे भी छोटा सा एक बालक हुआ है, उस बालक को जरूर बुलाइएगा, नंद को बुलाइएगा, यशोदा को बुलाइएगा, और उस बालक को जरूर बुलाइएगा, और वो बालक को बुलाइएगा और सबको खिलाइएगा पिलाइएगा, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा ये। और वो नारद मुनि के बताने पे जो वृषभानु होते हैं बताते हैं, क्या बताऊं, एक्चुअली एक दिन की बात है, मैं गया हुआ था यमुना स्नान करने के लिए सुबह सुबह। तो यमुना जी के स्नान करते करते, स्नान जब मैं कर रहा था, तो स्नान करके मैं डुबकी नाक बंद करके जैसे डुबकी लगाया, डुबकी लगा के जब निकला तो देखा कि बहुत ही सुंदर सहस्त्र पंखुड़ियों वाला, 100 मतलब 1000 पंखुड़ियों वाला एक कमल का फूल, बहुत ही सुंदर कमल जिसमें बहुत ज्यादा कांति निकल रही थी, आभा निकल रही थी, वो मेरी तरफ बहता हुआ आया, मेरे सामने बहता हुआ आ गया वो कमल का फूल यमुना जी में। और जब उस कमल के फूल को मैं देखा तो उसके कमल के फूल के ऊपर ये जो बेटी है मेरी, ये सुंदरी है, ये बच्ची है, उसी कमल के फूल पे मैं लाया उसको देखा। मैं सोचा कि इतनी सुंदर बालिका, इसको कौन ऐसे कमल के फूल पे रख दिया है। इसके बाद फिर मुझे लगा कि इस बच्ची को कुछ हो ना जाए, तो मैं उसको उठा करके अपने घर पे लाया था, कीर्तिदा को दिया, तो कीर्तिदा उसको कोई वो नहीं थे, बहुत प्रसन्न हुई कीर्तिदा। और तब से हम इस बच्ची का पालन पोषण करते हैं, और अपने बेटी की जैसे हम अपने बेटी को समझ करके पालन पोषण करते हैं। तो इस तरीके से राधा रानी ही उनके घर में आई थी और उनका पालन पोषण हो रहा था। तो उन्होंने बात मान के, हम नारद मुनि का बात मान करके बुलाए फिस्टिंग, अपने घर एक बहुत बड़ी दावत का आयोजन किए वृषभानु महाराज। तो वृषभानु महाराज के दावत में विशेष रूप से विशेष अतिथि के रूप में आवेदन दिए और बुलाए किसको, नंद महाराज को, यशोदा माई को और उनके लल्ला श्री कृष्ण को। इसके बाद सब आए तो पूरा इनके घर पे आनंद महोत्सव मना हुआ है, बिल्कुल मृदंग वाद्य वगैरह बज रहे हैं, गाने गाए जा रहे हैं, सबको फीस्टिंग कराई जा रही है, खेले जा रहे हैं वो सब, और बिल्कुल पूरी पूरा आनंद का माहौल था। और आनंद का माहौल था, और तभी जो नंद बाबा थे वो कृष्ण को भी लेकर के आए थे। तो कृष्ण अचानक, राधा जो यशोदा माई ली हुई थी कृष्ण को, और कृष्ण को ली हुई थी तो वो भारी लगने लगे, फिर जो मतलब कुछ रोने वोने लगे कृष्ण को। कृष्ण को तो पता था यहाँ आने का क्या टारगेट था उनका। इसके बाद फिर क्या हुआ कि वो उनको जमीन पे रख दी कि ठीक है बच्चा है, बच्चा कुछ और भी छोटे बालक थे उसके साथ खेल कूद ले रहेगा, तो और छोटे बालकों के साथ उनको रखी। और भगवान तो बहुत बड़े नहीं हुए थे, घुटनों के बल चलते थे, छोटे ही थे, जैसे आप लोग घर में देखे होंगे छोटे बालक होते हैं और घुटने दोनों पैर मतलब कि चौपाया थे, इस तरह से कह सकते हैं कि दो पैर और दो घुटने ऐसे करके आगे आगे करके जैसे बच्चे चलते थे ना, वैसे करके तब भगवान चला करते थे। और ऐसे ही चलते 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 घुसते घुसते कहाँ पहुंच गए, वहां पहुंच गए जहां पर श्रीमती राधा रानी को एक पालने में, छोटे से पालने में सुलाया गया था। और भगवान वहां पर पहुंच करके क्या किए, जो पालना था पालने के बल पर खड़ा होकर के, और खड़ा होकर के ऐसे करके क्यों देखे राधा रानी को। तो पहली बार जब भगवान को जब आ ही रहे थे तो उनसे जो टकरा करके हवाएं आ रही थी उससे राधा रानी समझ गई कि कृष्ण आ रहे हैं। और ज्यों कृष्ण उनको देखे उसी से मैं राधा रानी का आंख खुल गया, हरि बोल। क्योंकि राधा रानी जब ये धराधाम पे आई थी तो उस भगवान से बोली थी कि देखिए मैं आपके अलावा और किसी को भी नहीं देखना चाहूंगी, मैं आपके अलावा और किसी को भी नहीं सुनना चाहूंगी, मैं आपके अलावा और किसी का भी ध्यान नहीं करना चाहूंगी। तो ये उनके टर्म एंड कंडीशन थी, ये राधा रानी को पता था, कृष्ण को पता था। और ज्यों कृष्ण उनको देखे त्यों राधा रानी आंख खुल गया, पर राधा रानी देखने लगी। इसके बाद राधा रानी सुनने लगी क्यों कृष्ण का इंतजार कर रही थी कि कब आए, और जब भी उनकी आंखें खुले तो किसको देखे, कृष्ण को देखे। जब भी वो पहली बार सुने तो क्या सुने,
कृष्ण पशु में, और कृष्ण उसी समय अपने मुंह में कुछ लिए हुए थे खाने वाला, वो अपने मुंह में से निकाल करके राधा रानी के मुंह में डाल दिए कि पहली बार जब मैं कुछ खाऊं तो भगवान का महाप्रसाद खाऊं, भगवान का जूठा खाऊं। तो इस प्रकार राधा रानी का ये तपस्या थी कि भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। जितने भी तरह के भगवान के भक्त हैं, सारे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं वो हैं श्रीमती राधा रानी। तो ये राधा रानी की महिमा, ये राधा रानी की भक्ति है कि एकमात्र उनकी यही इच्छा थी कि कैसे वो कृष्ण को प्रसन्न करें, कृष्ण के प्रसन्नता में ही श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता है। और कई ऐसे जैसे चैतन्य महाप्रभु, जब ये कृष्ण नहीं समझ पाए कि आखिर क्या है ऐसा राधा रानी में जो मेरे भाव, जो मुझे सेवा करके जिनको इतनी प्रसन्नता मिलती है जो मुझे भी नहीं मिलती है, तो उसी भाव को समझने के लिए, उनकी भक्ति को समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। और चैतन्य महाप्रभु फिर जैसे हम गाते हैं ना, राधा रा महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानते कोई, अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं आए होते तो राधा रानी की महिमा को कौन इस्टेब्लिश करता, कौन जानता कि महाभाव क्या होता है। और जो ये महाभाव भक्ति का सबसे टॉप मोस्ट स्थिति है, जैसे महाभाव ये श्रीमती राधा रानी के अंदर ही होता है, सिर्फ और सिर्फ राधा रानी का। और उसी महाभाव का रसों का स्वादन करने के लिए चैतन्य, जो भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, अवतरित होते हैं और लीला करते हैं, लीलाओं में भाग लेते हैं। और जो उनके शक्तियाँ होती हैं, जो कि स्वरूप दामोदर होते हैं वो ललिता सखी होते हैं, और जो रामानंद राय होते हैं वो विशाखा सखी होते हैं, उनके साथ आते हैं। और जो पंच तत्वों में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद स्त्री अद्वैत गदाधर, गदाधर पंडित है वो राधा रानी है। तो राधा रानी का जो अप्राकट्य होता है, ये भगवान जो होते हैं अष्टमी को होते हैं, और राधा रानी भी अष्टमी को होती है उनके 15 दिन बाद। जो बलराम जी होते हैं वो पूर्णिमा के दिन अवतरित होते हैं, और राधा और कृष्ण दोनों अष्टमी के दिन अवतरित होते हैं। ये पिछले पक्ष के अष्टमी के दिन कृष्ण पक्ष के उसके अंदर अष्टमी के दिन कृष्ण भगवान, और शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन श्रीमती राधा रानी अवतरित होती है। भगवान के अवतरण के 15 दिन पश्चात श्रीमती राधा रानी का अवतरण होता है। तो इस तरीके से अनेक लीलाएं हैं भगवान की। और एक्चुअली समझना चाहिए हमें कि राधा और कृष्ण में कोई एक तरह से अंतर नहीं है, शक्ति और शक्तिमान है। जैसे मेरे और मेरे हाथ में क्या अंतर, ये मेरा पार्ट एंड पार्शियल है, ये मेरा अंग है कि नहीं, ये मेरा अंग है। अगर मान लीजिए मैं इस हाथ को, अगर मान लीजिए मैं किस कर रहा हूँ, चूम रहा हूँ या इसका वो कर रहा हूँ, तो ये क्या है, मेरा, मैं, मेरा ही हाथ है ना, मैं अपने आप को ही कर रहा हूँ ना, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं समझना चाहिए। और मैं कि जैसे राधा कृष्ण दो अलग है, भगवान की ऐसी लीलाएं हैं, गोपियों के साथ ऐसे करो, वो सब भगवान से एक तरह से अभिन्न है, शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता। और भगवान की शक्तियां हैं सारी गोपियां, भगवान की शक्ति है श्रीमती राधा रानी। और जैसे भगवान को क्या कहते हैं, मदन मोहन, मदन मोहन भी जैसे करोड़ों कामदेवों को जो अपने अंदर जो मदन को भी मोहित कर ले उसको मदन मोहन कहते हैं, जो मदन को भी अपने से मोहित कर ले उसको मदन मोहन कहते हैं, और जो मदन मोहन को भी मोहित कर ले मदन मोहनी मोहनी कहते हैं उसको, वो श्रीमती राधा रानी है। जो मदन मोहन, जैसे भगवान पूरी संसार को क्रिएट कर रहे हैं, सबको कंट्रोल कर रहे हैं, संसार पूरी आध्यात्मिक जगत चला रहे हैं, पूरी भौतिक जगत चला रहे हैं, सबको कंट्रोल कर रहे हैं, और जो भगवान को कंट्रोल कर रही है वो है श्रीमती राधा रानी। इसीलिए राधा रानी को वेद गोप्य कहते हैं कि कोई कुछ भी पढ़, कितना भी कोई ऐसे वेदों का भी जानकारी ले, कहीं कुछ भी पढ़ ले, राधा रानी को नहीं जाना जा सकता। राधा रानी को इतनी कूढ़ तत्व है, राधा रानी का इतना ज्यादा कूढ़ तत्व है। इसका एक उदाहरण देते हैं कैसे, कि जब आप लोग सुने होंगे कि जब रासलीला हो रहा होता है तो बीच में से भगवान अप्रकट हो जाते हैं, और अप्रकट हो जाते हैं तो चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट होते हैं, और चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट होते हैं, और सारी गोपियां भगवान को खोज रही होती हैं, तो गोपियां पूछती हैं, नारायण को देखती हैं तो प्रणाम करती हैं, प्रणाम नारायण, आपने कृष्ण को देखा है क्या, आपने एक कृष्ण को देखा है क्या,
मतलब भगवान मतलब नारायण से भी बहुत ज्यादा वो नहीं था संबंध, गोपियों का किससे संबंध था, कृष्ण से संबंध। और जब सारी गोपियां आती है प्रणाम करके चली जाती, तो राधा रानी आती है, तो फिर भगवान जो चतुर्भुज रूप में होते हैं उनके दो भुजाएं गायब हो जाते हैं, वो कृष्ण अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कृष्ण के रूप में आने से, और फिर से वो कृष्ण के रूप में आ जाते हैं और फिर राधा रानी को दर्शन देते हैं। तो ऐसा है जो मदन मोहन मोहिनी, जिसके बाद जिसके सामने आने के बाद भगवान की भी नहीं चलती है, वो है श्रीमती राधा रानी। इतना गूढ़ तत्व है श्रीमती, और भगवान की सबसे बड़ी भक्त है श्रीमती राधा रानी। उनके एक ही लक्ष्य है कि किस प्रकार भगवान को प्रसन्न किया जाए, किस रूप में भगवान को प्रसन्न किया जाए, और भगवान को प्रसन्न करके ही राधा रानी प्रसन्न होती है। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है कि येन केन प्रकारेण कृष्ण को प्रसन्न किया जाए, कृष्ण को प्रसन्न किया जाए कि किस भांति कृष्ण की सेवा किया जाए। और कोई भी भक्त जो कृष्ण की सेवा करता है तुरंत उसको रिकमेंडेड करती है राधा रानी। जो गाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें जो हरे शब्द है, हरा शब्द है, वो भगवान की शक्ति है श्रीमती राधा रानी। कृष्ण है जो सर्वक सबको आकर्षित करने वाले कृष्ण है, और जो हरे हैं वो राधा रानी है, और जो राम है वो राधिका रमन राम है, जो राधा और कृष्ण दोनों कंबाइन है, वो कृष्ण जो श्रीमती राधा रानी में रमन कर रहे हैं, उनको सोच रहे हैं, उनके भाव में निमग्न है, वो है राम। रमयति इति राम, जो हमेशा आनंद में रहते हैं और जो सबको आनंद प्रदान करते हैं। तो इस जो गीत महामंत्र में जो कृष्ण की और श्रीमती राधा रानी की, इनकी यहाँ पर वो किया गया, गुणगान किया गया है। और हम जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो एक जैसे चाइल्ड जो होता है, बेटा होता है, अपनी माता से प्रार्थना करता है, ये वैसे प्रार्थना है एक बेटे का अपने माँ के प्रति प्रार्थना। और क्या हम प्रार्थना करें कि हे माता, हे श्रीमती राधा रानी, आप हमें भगवान की सेवा में लगाइए, मुझे मौका दीजिए भगवान का सेवा करने का, कि मैं भी भगवान के सेवा में लग करके अपने जीवन को सफल बना पाऊं। ये हम हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा भगवान से मतलब प्रार्थना करते हैं। हरा जय। और कई लोग कहते हैं, जैसे आप लोग सुने होंगे कि राधा और कृष्ण मतलब कि उनसे विवाह नहीं हुआ था और उनके साथ वो रास रचाए थे या उनके साथ रहते थे, ऐसा कैसे है? तो एक्चुअली वो नित्य संगनी है, भगवान की नित्य शक्ति है वो, मैं बताया ना भगवान की चित्त शक्ति है, और शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, तो भगवान की शक्ति है। और एक बार ऐसे लीला के हेतु जब भगवान यहाँ पर प्रकट हुए थे, तो भगवान की और श्रीमती राधा रानी का शादी भी हुआ था, विवाह भी हुआ था। और भगवान की कृपा से हम लोग का, जब मैं ट्रेनिंग में था, तो हम लोग को एक बार पैदल गए थे यहाँ से नोएडा मंदिर से की तरफ से एक पदयात्रा हुआ था, जिसमें नोएडा से वृंदावन पैदल जाना था, पदयात्रा में जाना था। तो हम लोग पैदल जाते जाते एक बार भांडीर वन में पहुंचे थे, जहाँ पर एक बहुत बड़ा पल्ट का वृक्ष है, पानी गांव के पहले भांडीर वन हमारा वो था, बहुत बड़ा पल्ट का वृक्ष था, और वहाँ पर राधा कृष्ण का मंदिर आज भी है बना हुआ। तो वहीं पर राधा और कृष्ण का विवाह भी हुआ था, और स्वयं ब्रह्मा जी का कराए थे। इसका एक कथा आती है कि एक बार की बात है, जो भगवान थे वो छोटे से थे, तब गोदी में एक तरह से थे, और नंद बाबा उनको लेकर के गाय चराने गए हुए थे। तो गाय चराने गए हुए थे तो अपने बेटे को भी साथ में लेके गए हुए थे। तो भांडीर वन में जब वो अपने बेटे को लेकर के कृष्ण को लेके खिला रहे थे, पहुंच रहे थे, तो अचानक से ना कृष्ण बहुत रोने लगे, रोते 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 रोते। भगवान जो नंद बाबा उनको मनाने का प्रयास करते, चल चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा, ले 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 चुप हो जा, बच्चे को जैसे चुप कराते हैं ना, चुप कराने का प्रयास कर, कृष्ण चुप ही ना हो, कृष्ण चुप ही ना हो, सारा कुछ करके कृष्ण देख लिए चुप ही ना। तो वहां पर एक देखते हैं कि अचानक से बहुत तेज आंधी पानी वगैरह चलने लगता है और बिल्कुल झंझवाट सा हो जाता है, और देखते हैं कि बहुत सुंदर सी युवती है, और युवती उनके तरफ आ रही है, और युवती के शरीर से बहुत प्रकाश निकल रहा है बिल्कुल। उस युवती को आकर के वो युवती देखते हैं कि मेरे पास आ रही, फिर वो आई युवती और बोली कि लाइए मुझे, मैं इसको चुप करा दूं।
तो फिर श्रीमती राधा रानी वो थी, वो एक युवती के रूप में आई थी और भगवान को ये गर्ग संहिता में वर्णन ये कथा आता है, भगवान को लेकर के वो चुप कराने लगी। पर ज्यों भगवान राधा रानी के उसमें गए गोदी में त्यों ही चुप हो गए। तो वहां पर फिर अब ये चीज को देख करके ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्मा जी फिर इस शुभ घड़ी का लाभ उठाते हैं और बोलते हैं कि जब आप एक युवती के रूप में हैं तो मैं आप लोगों का फिर विवाह कराऊंगा, विवाह कराना चाहता हूँ कि आप दोनों नित्य संगी संगनी है तो मैं आप लोगों का विवाह कराना चाहता हूँ। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने वहां पर राधा और कृष्ण का विवाह कराया था, यज्ञ वगैरह चलाया गया यज्ञशाला में और पूरा भगवान और राधा और कृष्ण का विवाह वहां पर एक नॉर्मली एक लीला है, जब लोक में भगवान आते हैं तो लीला है, वहां पर राधा कृष्ण में विवाह हुआ था। और इसके बाद फिर अचानक जो कृष्ण थे वो वहां से मतलब सब लोग जब चले गए तो राधा कृष्ण बचे तो फिर गायब हो गए, छोटे बालक के रूप में हो गए अचानक से, कृष्ण भी पूरे किशोर के रूप में हो गए और कृष्ण फिर से हो गए बालक के रूप में। तो राधा रानी को बहुत व्याकुल होने लगी कि कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए बालक के रूप में हो गए। तो कृष्ण बोले कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराओ मत, हम लोग बड़े होंगे इसके बाद फिर अनंत यहाँ पर लीलाएं करेंगे। तो इस तरीके से राधा और कृष्ण का वहाँ पर विवाह होता है जो स्वयं ब्रह्मा जी कराते हैं। ये भांडीर वन में एक बहुत बड़ा वट का वृक्ष है और आज भी वहाँ पर वो राधा कृष्ण का वहाँ पर मंदिर है, एक कुआं भी वहाँ पर है और वहाँ पर जो ब्रजवासी हम जाएंगे तो वो भी इस कथा को कहते हैं। तो इस तरीके से अनेक कथाएं हैं, अनेक लीलाएं हैं, इस पर हम बहुत ज्यादा और डिस्कस नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, बट ये समझ रहे हैं कि बिना राधा रानी को प्रसन्न किए हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। और राधा रानी को कैसे प्रसन्न करेंगे, जब उनके अनुगत भक्तों को हम प्रसन्न करेंगे, श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करेंगे, रूप गोस्वामी को प्रसन्न करेंगे। रूप गोस्वामी को प्रसन्न करेंगे कैसे, उनके जो फॉलोअर है अनुयायी है भक्ति से सरस्वती सिद्धांत संत ठाकुर जी महाराज को प्रसन्न, उनको प्रसन्न करेंगे कैसे, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करेंगे। प्रभुपाद जी को कैसे प्रसन्न करेंगे, जो उनके अनुयायी है आज जो वर्तमान गुरुजन है उनको प्रसन्न करके प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार जो हमारी सेवा होती है गुरु परंपरा से होते हुए वो राधा रानी के पास जाती है और राधा रानी फिर वो सेवा भगवान को अर्पण करती है, भगवान को रिकमेंड करती है, भगवान देखिए भक्त है और ये आपकी सेवा में लगा हुआ है। और एक बार अगर भगवान को राधा रानी रिकमेंड कर दे फिर भगवान फिर लेते ही लेते हैं उस केस को, ठीक है बोलते हैं कि तथा जब आप रिकमेंड करिए तो मैं इस केस को लूंगा ही लूंगा। इस प्रकार हमें प्रयास करना चाहिए कि भक्ति करके जो भी जैसे हम साधना भक्ति में लगे हुए हैं, साधना भक्ति का नियमित रूप से पालन करें, जो भी प्रभुपाद का आज्ञा है चार नियम पालन करना, 16 माला जग का जप करना, ये करें ताकि गुरु परंपरा को प्रसन्न कर सकें, राधा रानी को प्रसन्न कर सकें और हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकें। तो आज के लिए देखिए राधा रानी के बारे में और ज्यादा तो मैं चर्चा करना ही योग्य हूँ ना ही मैं करना चाहूंगा। और जो फिर वरिष्ठ वैष्णव से उस दिन राधाष्टमी के दिन और भी जो लेक्चर होगा उसमें हमें और हमें सुनने का मौका मिलेगा। आप लोगों का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। यस ब्रो जी, किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। एक चैट बॉक्स में लिख करके आप लोग चैट पूछ सकते हैं, आप लोग अपना अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।